थाना न्यू आगरा क्षेत्र के ब्रज विहार पुलिस चौकी स्थित धूर के बाग के रहने वाले अजय तिवारी का बेटा लगभग 40 दिन से लापता है। बेटे के लापता हो जाने से पूरा परिवार रो रो कर परेशान है। आकाश की माँ आकाश की तस्वीर हाथों में लेकर रोती रहती है। उसके पिता ने बताया कि पुलिस और अधिकारियों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, परंतु 40 दिन बीत जाने के बाद आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अजय तिवारी क्या समस्या आपकी हो रही है? मेरा बेटा 14 अक्टूबर से घर से लापता है और उसी की ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं उसमें, अभी तक कोई पता नहीं लगता। क्या लगता है आपको, कहाँ गया? गया कुछ नहीं है, वो हो सकता है कुछ किसी बात को लेकर के नाराज़ हो गया है और वो सिर्फ डर की वजह से घर पर नहीं आ पा रहा है। बाकी हमारी तरफ से तो ऐसी कोई, हमने ना तो कभी उसको डांटा ना फटकारा, कभी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। लेकिन समझ से परे है, आज 1.5 महीना हो गया लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा। पुलिस में कंप्लेन वगैरह करा? पुलिस में कंप्लेन 2nd डे ही 15 अक्टूबर को ही हमने रजिस्टर करा दी थी कंप्लेंट तो गुमशुदगी की। अब वो पुलिस क्या कर रही है वो पुलिस को मालूम होगा। आप अधिकारियों से भी मिले हैं? हम अधिकारियों से भी मिले हैं, पुलिस के चक्कर भी लगा रहे हैं। इस वक्त भी था पुलिस चौकी पर ही मौजूद हैं और सब इंस्पेक्टर मोहित सिंह जी हैं, वो इसको देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो भी प्रयास में लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, सब पर चल ही रहा है उसका। कितने परेशान हैं आप, बच्चा चला गया? हाँ जी, कितने परेशान हैं आप, बच्चा चला गया? अब ये तो परेशानी का बयान बखान कैसे किया जा सकता है, ये तो जिस परेशानी हमें मालूम है। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है कोई, या क्या ढिलाई? नहीं, पुलिस तो जो सरकारी तरीके से जो कार्रवाई होती है उस हिसाब से काम कर ही रही है। कोई कोई मंत्री या कोई मेरा कोई विधायक या कोई मेरा कोई जानने पहचानने वाला तो है नहीं जिससे पुलिस पर दबाव बनाया जा सके और कार्रवाई को उसको जो प्रभावी रूप से पुलिस में काम कर सके। मैं तो एक आम आदमी की तरह से मुझे पुलिस ट्रीट करती है और उसी हिसाब से वो अपनी कार्रवाई भी कर रही है। ये काम चाहेंगे, अगर ये वीडियो आपका बेटा देखेगा तो क्या कहेंगे उसके? मैं तो बेटा से ये कहना चाहूँगा, बेटा कोई बात है तो आप सीधे घर पर आओ और हम तो उससे कुछ कहना चाहेंगे नहीं, ना पूछेंगे क्या बात हुई। बाकी तो यह है कि उसको घर आ जाना चाहिए क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और लंबे समय तक वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा उसको अपने बेटे से कहना कि वो जल्दी से जल्दी घर पे आ जाए और जो भी है गलती है हो जाती है बच्चों से, वो माफ़ करने लायक ही होती है, ऐसा नहीं है।